हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आंखों में खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए ईरान के रास्ते यूरोप जाने वालों पर कयामत टूट पड़ी। तुर्बत से अगवा, 15 अफराद बुलीदा में कत्ल, 11 की शराख्त हो गई। ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था, लाशें आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई। अच्छे मुस्तकबिल की जस्तजू में सैकड़ों अफराद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भेंट चढ़ जाते हैं। ईरान से तुर्की और खौफनाक समंदरी लहरों पर यूनान का सफर, किसी को मंजिल मिलती है तो कोई जान से गुजर जाता है। हुकूमत हर बार इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का दावा करती है, इस बार भी वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, कमेटी भी बन गई, क्या कोई नतीजा भी निकलेगा? बेटा, बहू और पोता मरने वालों में शामिल। शहर इख्तदार आज भी मफलूज, फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना, जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में राबते मुनकता, 8वें रोज भी शहरी रुल गए। हुकूमत धरना खत्म कराने में नाकाम, रुकावट कौन? देखा जाए कि इस तहरीक लब्बैक को कौन स्पॉन्सर कर रहा है पीछे से। अब्बास ने नियाजी भी इसी तहरीक में आएगा और इसका हिस्सा बनकर इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएगा, ये मैं आपको पेशगोई कर रही हूँ। तहरीक लब्बैक और इमरान नियाजी मिले हुए हैं, जल्द ही इमरान भी धरने का हिस्सा होंगे। चंद लोग इस्लाम के ठेकेदार बनकर आ गए, तहरीक लब्बैक ने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, आयशा गुललई का इल्जाम। वाज़े पैगाम था नैब अदालत को कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे सजा देनी है। मैं आज फिर वाज़े तौर पे कहता हूँ कि सजा दी नहीं जा रही, ये दिलवाई जा रही है। पहले से तय था मुझे सजा देनी है, सजा दी नहीं दिलवाई जा रही है, नवाज शरीफ का इल्जाम। कहा इमरान खान की 4 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई, मेरे दामाद को गिरफ्तार करके पेश किया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा अदालत का दोहरा मायार है, फैसले में वो लफ्ज इस्तेमाल हुए जो मुखालफीन करते हैं। नवाज की तीमारदारी के लिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 1 हफ्ते और मरियम नवाज की 1 महीने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, इस्तगासा के गवाह सिद्रा मंसूर और जहांगीर अहमद का बयान रिकॉर्ड, समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी, 4 गवाहान तलब। हेडलाइंस का सिलसिला जारी है, यहां पर आपको एक अहम खबर दे दें कि कराची की सियासत में होने वाली हलचल का आज न्यूज ने पता लगा लिया है। असल राज क्या है, इस राज का सुराग आज न्यूज ने लगा लिया है। असल मामला क्या था और किसने क्या क्या किरदार अदा किया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कराची की सियासत में होने वाली हलचल, असल मामला क्या था, किसने क्या किरदार अदा किया, अंदरूनी कहानी सामने आ गई और उसकी तफसीलात आज 9 बजे में नासरीन देख सकेंगे। आगे पीछे मोबाइल, मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर डीआरजी।
एहतसाब अदालत में पेशी पर आज भी शरीफ फैमिली का शहाना प्रोटोकॉल, हटो बच्चों की सदाएं, कारकुनों की वालेहाना नारेबाजी। पंजाब हाउस नवाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास, मरियम नवाज, साद रफीक और दीगर शरीक, मौजूदा सूरत हाल पर सलाह मशवरा। शाही शरीफ खानदान वीआईपी हरबों से ट्रायल को किसी और सिमत ले जाना चाहता है ताकि करप्शन का मसला फरामोश कर दिया जाए। इमरान खान का ट्वीट, ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ नहीं, लीगी खुद को नवाज शरीफ से अलग कर रहे हैं, कप्तान का दावा, कहा इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की जेरे सदारत पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास, मर्दम शुमारी के नतीजे पर नई हलकाबंदियों और मुश्तरका मफदात काउंसिल के इजलास के फैसलों पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी की अदम शिरकत पर स्पीकर का खुर्शीद शाह से राब्ता, पीपल्स पार्टी कल के इजलास में शरीक होगी। थर्टी साल का सियासी जो हिस्ट्री रहा है उसमें हर कंस्पिरेसी जो हुआ है जमहूरियत के खिलाफ, नियाज साहब खुद उसमें शामिल था। बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आजम पर तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की, नए नवाज शरीफ के साथ जो सलूक कर रहा है वो सबके सामने है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के केसेस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, स्ट्रीट क्राइम और जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए अलहदा अदालतों के क्याम के लिए कमेटी कायम, हाई प्रोफाइल केसेस बदीन की अदालतों में मुंतकली के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। रुख बदली तो इस्लामाबाद में रिमझिम के बाद ओले बरस पड़े, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से खुनकी में इजाफा, पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम शादियों का सीजन, गोया सोने पर सुहागा, खवातीन की खरीदारी का मिशन शुरू, लाहौर के बाजारों में खवातीन का रश लग गया, जौक शौक से खरीदारी की। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक तहरीक इंसाफ के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया, चीफ जस्टिस ने समात गैर मुबैना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वजीर खजाना की मुश्किलात कम ना हुई, नैब का हिसाब डाला पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने का ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तहकीकात का आगाज किया है। एफबीआर के आईआरआईएस सिस्टम में फनी खराबी, टैक्स गोश्त गुजारों को ऑनलाइन गोश्तवारे जमा कराने में मुश्किलात, गोश्तवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। घर का किचन भी सरकारी खर्चे पर चलेगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइश, जाति उम्रा को भी वजीर आला पंजाब के कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया गया, सातवें कैंप ऑफिस के खराजात के लिए 57 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई,
सुप्रीम कोर्ट बरहम, बड़े अफसरों को भी घर भेजे वरना छोटे अफसरों को भी बहाल कर देंगे। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और आईजी सिंह का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तलब। कराची वाले रहजनों के रहमो करम पर एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के साबिक रुकन शब्बीर कायम खानी के घर में डकैती, डाकू नकदी जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले उड़े। पसंद की शादी पर लड़के और लड़की के घर वाले चराग़पा, मलीरकोट कराची में खूब मारपीट हुई, तीन अफराद गिरफ्तार, अदालत का मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी गाड़ी के टैक्स चोर निकले, महकमा एक्साइज ने लाहौर में मुसद्दिक मलिक की गाड़ी जब्त कर ली, कई बरस से टोकन अदा नहीं किया। पंजाब के तालीमी इदारे के खतरे की जद में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी नाकिस है, सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में पोल खुल गया, हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने की अहकाम। पिशावर के इलाके यूनिवर्सिटी रोड से मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्कूल्स को धमाके से उड़ाने में मुलविस है, ताल्लुक कलदम जमात से है। लड़काना में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुजरे सेहत खाना खाकर पुलिस एहलकार जां बहक, दो एहलकार तश्वीशनाक हालत में चांद का अस्पताल मुंतकिल। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में निजी स्कूल में तलबा पर वहशियाना तशद्दुद, पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा मीरा के लिए लाहौर की अदालत से आई अच्छी खबर, तंसीख निकाह केस का फैसला मीरा के हक में आ गया, अतीकुर रहमान शादी का सबूत नहीं दे सका, जज के रिमार्क्स, फैसले पर मीरा खुशी से निहाल, फरिश्तारों को गाना भी सुनाया। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. बयाम पाकिस्तान की तरह मुल्तान कचहरी के कयाम का फैसला भी मुबारक है, मुफ्ती अब्दुल कवी का जमानत पर रिहाई के बाद तबसरा, जेल में गुज़म को मुतालियती दौरा करार दे दिया, ये भी कहा कि मुल्ज़िमान के एतराफ़ जुर्म के बावजूद तफ्तीश को पेचीदा किया जा रहा है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कहना है कि सियासत में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, पीएसएल ड्राफ्टिंग में कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन यह पाकिस्तान का ब्रांड है, इसे सपोर्ट करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एटमी हमले के अहकाम का इख्तियार होना चाहिए या नहीं, सेनेट की खारजा उमूर कमेटी में बहस, डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी कहते हैं कि ट्रंप गैर मुतवाजन शख्स हैं, वो अमरीकी मफाद के बरक्स एटमी हमले का हुक्म दे सकते हैं, ट्रंप का ये इख्तियार खत्म करने के मुसविदे पर काम जारी है। बांग्लादेशी महाजर कैंपों में रोहिंग्या मुसलमानों का अबतर हाल, खवातीन को अगवा किया जाने लगा, अमरीका का रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 47 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान, वजीर खारजा रेस टिलरसन कहते हैं रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम की गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए।
जिम्बाब्वे में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल, दारुल हुकूमत हरारे का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया, सड़कों पर गश्त, इख्तदार नहीं संभाला, कार्रवाई जराइम पेशा अफराद के खिलाफ है, सदर मुगाबे महफूज है, फौजी तर्जुमान की वजाहत, जिला वतन नायब सदर की भी वतन वापसी, अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम, आज नौ बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। कराची की सियासत में हलचल, आखिरकार किसने मचाई, पीएसपी और एमक्यूएम क्यों और कैसे इकट्ठे हुए, फारूक सत्तार पर दबाव किसने डाला, दोनों फरीकों के दरमियान होने वाली मुलाकात में तीसरा और चौथा फरीक कौन था, आज न्यूज सब सामने ले आया है। मजीद बात करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरकान से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो ये बताएगा कि कराची की सियासत में हलचल आखिर किसने मचाई और पीएसपी और एमक्यूएम क्यों और कैसे इकट्ठे हुए। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें जो हैं जो गुज़श्ता हफ्ते चल रही थी उसमें जो नई चीज़ सामने आई है वो डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मामलात आगे चले तो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को जो उन्होंने खत लिखा है इन तमाम सूरत हाल में उससे वो सामने उसे लेके आएंगे, और उसी खत के कुछ मदरजात जो हैं वो सामने आए हैं जिसके मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये कहा है के जो पीएसपी के साथ कराची के एक घर पे मुलाकात हुई थी उसमें एक जूनियर ऑफिसर ने 13 घंटे तक उन्हें जबरदस्ती रोके रखा है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने खत में ये भी कहा है कि पीएसपी के साथ जो मुलाकात थी उसमें उन पर दबाव डाला गया इत्तेहाद के लिए, और मजीद डॉक्टर फारूक सत्तार ये भी लिखते हैं अपने खत में कि अगर इसी किस्म के हालात चलते रहे और सब ऐसे ही चलाना है तो फिर वो सियासत छोड़ देंगे। ये उन्होंने खत में लिखा है जो कि उन्होंने वजीर आजम और आर्मी चीफ को जो है वो तहरीर किया था जिसका उन्होंने जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि खत में लिखा है कि एक जूनियर अफसर था जिसने 13 घंटे फारूक सत्तार को रोके रखा, उसमें ऐसा कुछ तो नहीं लिखा गया कि उन पर टॉर्चर किया गया हो उन 13 घंटे में या कुछ और जो है उनके साथ किया गया हो। जी खत में तो इस हवाले से ज्यादा तफसील नहीं है, सिर्फ यही कहा गया है कि एक जूनियर ऑफिसर थे जिन्होंने 13 घंटे तक रोके रखा और उन पर दबाव डाला गया इस इत्तेहाद के हवाले से। लेकिन जराए हमें बताते हैं कि उस जगह पे डॉक्टर फारूक सत्तार को जो 22 अगस्त के हवाले से केसेस थे और उस हवाले से उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उनके ऊपर दबाव डाला गया था। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस चीज के ऊपर भी हैरानगी का इजहार किया कि वहां पर एक तीसरी जमात यानी पीटीआई के जो रहनुमा थे फैसल वाडा उनकी मौजूदगी के ऊपर भी उनको हैरानगी हुई और इसका इजहार भी उन्होंने अपने खत में किया है। जराए ये भी बताते हैं कि एमकेएम के जो रहनुमा हैं वो भी इसके ऊपर तकसीम को कंफर्म कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि जो चौथा फरीक था वो पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा थे। जी बिल्कुल, फैसल वाडा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं कराची के वो उस मुलाकात में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के ऊपर जो है डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने खत में भी उसका तذکرہ किया है और उसके ऊपर हैरानगी का भी इजहार किया है। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी जराए से मालूम पड़ा है कि ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी ने उस मुलाकात में इत्तेहाद की हमायत की थी। अच्छा। ये दोनों राबता कमेटी के रहनुमा हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असेंबली में और फैसल सब्जवारी अहम रहनुमा है राबता कमेटी के। इन दोनों रहनुमाओं ने उस मुलाकात में इत्तेहाद की हमायत की थी और इससे पहले जब डॉक्टर फारूक सत्तार ने राबता कमेटी से राबता किया था वहां जब वो उस घर के मौजूद थे उस घर में जबकि पीएसपी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हो रही थी तो राबता कमेटी ने उन्हें इस किस्म की बात नहीं की थी, उन्हें इत्तेहाद के हवाले से अपनी तजवीज नहीं दी थी बल्कि उनकी राय मुख्तलिफ थी। लेकिन ये रहनुमा जो ख्वाजा इजहार और फैसल सब्जवारी वहां पहुंचे उस घर में जहां पर मुलाकात जारी थी। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के हवाले से, कराची की सियासत में पिछले हफ्ते जो हलचल मची थी उसकी वजह क्या थी, हलचल किसने मचाई और कौन कौन फरीक था, आज न्यूज ने पता लगा लिया है, पीएसपी और एमक्यूएम क्यों और कैसे इकट्ठे हुए, फारूक सत्तार पर दबाव किसने डाला, यह हम आपको बता रहे हैं कि फारूक सत्तार और पीएसपी के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसमें तीसरा और चौथा भी फरीक था। तीसरा फरीक एक जूनियर एहलकार था जिसका ताल्लुक फौज से था और यह भी बताया जा रहा है कि चौथा फरीक कोई और नहीं बल्कि पीटीआई के रहनुमा जिनका ताल्लुक कराची से है फैसल वाडा थे, जिस पर फारूक सत्तार ने खत लिखा है और उस खत में आर्मी चीफ को बताया है कि मुझे हैरत हुई कि आखिर हमारी मुलाकात में पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा का क्या ताल्लुक बनता है।
क्वेटा में एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों का दूसरा बड़ा वार। नवाकली में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इलियास को अहले खाना समेत शहीद कर दिया। उनकी अहलिया साहबजादे और पोता भी शामिल हैं। हलाक अफराद में इससे पहले 9 नवंबर को भी डीआईजी हामिद शकील को 3 साथियों समेत शहीद कर दिया गया था। तो आपको बता रहे हैं कि क्वेटा में एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों का दूसरा बड़ा वार आज सामने आया है। नवाकली में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन को शहीद कर दिया। क्वेटा में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर। एक हफ्ते के दौरान पुलिस के 2 आला अफसरान पर हमला। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इलियास को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने अहले खाना के हमरा नवाकली बाजार से जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्ला दहशतगर्दों ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के नतीजे में डीएसपी मोहम्मद इलियास, उनकी अहलिया, बेटा और पोता मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि गाड़ी में मौजूद उनकी पोती शदीद जख्मी हुई जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल 9 नवंबर को भी डीआईजी हामिद शकील को 3 साथियों समेत शहीद कर दिया गया था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक बार फिर वार किया है। इस बार रोशन मुस्तकबिल का खाब सजा यूरोप जाने वालों को निशाना बनाया गया। 15 अफराद को कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। ये अफराद ईरान के रास्ते यूनान जा रहे थे। यूनान को यूरोप के दीगर मुल्कों में दाखिले का आसान रास्ता समझा जाता है। घर वालों के लिए आसानियां फराहम करने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डालने वाले यूरोप तो ना पहुंच सके, अलबत्ता दहशतगर्दों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। बलूचिस्तान के अमन पर सफाक दहशतगर्दों का एक और वार। तुर्बत में फायरिंग से 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आंखों में हसीन मुस्तकबिल के सपने सजाए ये तमाम अफराद गैर कानूनी तरीके से ईरान जा रहे थे, जहां से इन्हें यूरोपीय मुल्क यूनान जाना था। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत ने आ घेरा। मौत के सौदागरों ने गाड़ी को रोका और तमाम अफराद को अगवा करके बुलेदा ले गए, जहां तमाम अफराद को पहले लाइन में खड़ा किया गया और फिर एक एक करके सबको कत्ल कर डाला। 15 हलाकतों की हमें इत्तला है। वहां पर गनशॉट की हलाकतें हैं और ये तुर्बत से थोड़ा आगे की तरफ कोई इलाका है, वहां से जो है वो बेरोजगार लोग जो जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में नौकरियों के लिए, ये उन लोगों को जो है वो टारगेट किया गया है। ये वाकये की इत्तला मिलते ही लिवीज एहलकारों की भारी नफरी बुलेदा पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। जहां बहक होने वाले तमाम अफराद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते थे, जिनकी मैयतें आबाई इलाकों को मुंतकिल की जा रही हैं। इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं रही। बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर इंसानी स्मगलर्स लोगों की जमा पूंजी ही नहीं, उनकी सांसें भी छीन रहे हैं। ये घिनौना कारोबार कैसे और किस तरह किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बैरून मुल्क रोजगार का झांसा, रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें, इंसानी स्मगलर्स पहले आंखों में ख्वाब सजाते हैं और फिर आंखें मुस्तकिल बंद कर देते हैं। घिनौने कारोबार से दुनिया भर में सालाना अरबों डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। गैर कानूनी सरहदी राहदारियों और गैर महफूज समंदरी रास्तों के जरिए इंसानी स्मगलिंग की जाती है। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के लिए ईरान के साथ इंतहाई तवील सरहद स्मगलरों का पसंदीदा रूट है। लोगों को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाया जाता है। अक्सर चमन, गुलिस्तान, नोशकी, चागी, पंजगोर और तुर्बत के इलाके इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर वहां से तुर्की के रास्ते यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक ले जाया जाता है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA का सेल बनाया गया है, लेकिन इसकी कार्रवाई कागजी नौइयत की है। तुर्बत में जान बहक होने वालों में से 4 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से है, जिनमें 2 दोस्त गफूर और गफरान गांव भंदर के रहायशी थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रेहान नसीम से। जी ख्वाजा रेहान, बताइएगा अफसोसनाक वाकया हुआ है, इस वक्त गांव में क्या माहौल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी तुरबत बॉर्डर पर जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने पे फायरिंग करके नौजवानों को जो उनसे ना वो कत्ल कर दिया गया है। सियालकोट के भी ज़िला के 4 नौजवान उसमें शामिल हैं। जुमे को ये लोग जो तुर्की के लिए जो उनसे ना वो यहाँ से रवाना हुए थे एजेंट के थ्रू, इस वक्त इनके जब ये इतला पहुँची महल्ले में तो पूरा महल्ला जो सा वो गम से निडाल हो गया। महल्ले में उसके उनके दोनों के दोस्त जो है ना वो हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये कब गए और कैसे गए? ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले गए थे, ठीक है, और आज शाम को इतला मिली है उनकी कि वो उन दोनों का कत्ल हो चुका है, ठीक है। जैसे इतला मिली है तो हम ये सोच रहे थे कि उनके घर वालों को किस तरह बताया जाए, तो इतने में बस ऐसा ऐसा खबर फैली है तो पूरा गाँव इकट्ठा हो गया, पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन यह है कि पूरा गांव इस टाइम जो सारा गमगीन है, सोग मना रहा है। तो इन अहले महल्ला का उनके रिश्तेदारों का यही कहना है कि अगर पाकिस्तान में ही रोज़गार, बेहतर रोज़गार मिल सके तो यह गैर कानूनी तौर पर जाने का जो नौजवानों को शौक होता है, ये जो उनसे ना शौक जो उनसे ना वो पाकिस्तान में ही रोज़गार कमा के अपने अहले खाना को जो उनसे ना वो उनका सिलसिला